किसके पास पैसा जाता है? एजेंट के माध्यम से जाता है। किसके पास जाता है एजेंट के माध्यम से? किसके पास बताइए ना, एमओ के पास। एमओ के पास जाता है, एमओ साहब भी बोलता है कि ऊपर तक जाता है। क्विंटल पे कितना? और लोग से पूछ लीजिएगा ना। सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ खड़ा है, आप बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम अधिकारी से ही बात किए हैं। अगर सुधरेगा, सुनिए, अगर सुधरेगा तो सबके लिए सुधरेगा। सब 50 रुपया लगता है, 50 रुपया क्विंटल। देखिए डीलर साहब के पास आए हैं, देखिए ये 19 किलो 220 ग्राम है, लगभग इसमें 800-900 ग्राम कम है। काहे भैया, कितना पैसा लिया गया था आपसे? 40 टका। भैया दो आदमी का अनाज का क्या रुपया होता है? 28 टका होता है ना, कि 26 टका होता है? नहीं 28 टका। 13 रुपया यूनिट है ना सर? 14 टका निकलता है। अच्छा 14 निकलने लगा है, ठीक है 14 रुपया यूनिट है, 28 रुपया, लेकिन 40 का है लिए सर। ये किसका अनाज है ये वाला? किसका अनाज ये वाला? ये अनाज कौन लिया? ये अनाज आइए सर, आइए आइए, तरफ से बात करना है। अनाज आप लिए हैं? ये बोला पूरा आपका है? हाँ। कै आदमी घर में है? कितना आदमी का अनाज जाता है घर में? दस आदमी का। हाँ। देखा कार्ड दिखाइए तो, कहाँ कार्ड है? कार्ड नहीं, कार्ड में 3 आदमी मिल के लेता है। ये 10 आदमी का है। हाँ। कै किलो अनाज मिलता है? कै किलो? हमारा 2 आदमी मिले छे, आर पुतुआ सुन ले जाए बच्चा आरो अपनो। अभी कई आदमी के लग जा रहे हैं आप? 2 आदमी। 2 आदमी का कई किलो मिलना चाहिए? कई किलो 2 आदमी का कई किलो होता है सर? 20 किलो। 20 किलो इसको नपवाइए, इसको नपवाइए, 20 किलो है कि नहीं है? इसको नपवाइए, 20 किलो है। इसको नपवाइए ना पहले आप। 19 किलो है इसमें। नापिए ना पहले इसको आप, देखे 19 किलो आप नापिए ना, हम देखेंगे उस पर चढ़ा करके देखना। आइए हम ही नाप लेते हैं, आप नहीं नापिएगा तो। एक वजह से हट जाइए आप लोग। देखिए डीलर साहब के पास आए हैं, देखिए ये 19 किलो 220 ग्राम है, लगभग इसमें 800-900 ग्राम कम है। काहे भैया? इसलिए कि बोरा में कम आता है हम लोग को। अच्छा बोरा में कम आता है, इधर दिखा दो। जो देखिए आप लोग को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सपोर्ट में है। अभी हम लोग अनाज का गोदाम, सुनिए ना, हम आपके लिए आए हुए हैं। हमको दिए, हमको को लिखे, सुनिए ना, हम आप ही के लिए आए हुए हैं, आप ही के लिए आए हुए। अभी हम गोदाम में छापा किए थे, ठीक है, गोदाम में, वहाँ पे बिना नापे डीलर को दिया जा रहा है, तो डीलर बेचारा कहाँ से पूर्ति करेगा? वही तो बात है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमको बताइए। प्रॉब्लम है कि अनाज हम लोग को नाप के नहीं देता है, नाप के नहीं देता है ना, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ वो लोकल आदमी सबको रखा है। हाँ। वही सब टटियागिरी झाड़ने लगता है, टटियागिरी झाड़ने लगता है। आप लोग का एजीएम मैडम है? हाँ। मैडम है। हाँ। मैडम से भी बात की है हम लोग, ठीक है, मैडम के बदले जो है ना, आपको सुनिए ना, हम सब ठीक है। देखिए ना, मैडम को लिखे हैं, दिखाइए, देखिए लिखा हुआ दिखाते हैं, दिखाइए एजीएम। और अच्छा एक मिनट, अच्छी चाची की आपका था अनाज ना, थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा सा आइए ना। कितना पैसा लिया गया था आपसे अभी? कितना पैसा लिया गया था आपसे? 40 टका। 40 टका? भैया 2 आदमी का अनाज का क्या रुपया होता है? 28 टका। 28 टका होता है ना, कि 26 टका होता है? नहीं 28 टका। 13 रुपया यूनिट है ना सर? 14 टका निकलता है। अच्छा 14 निकलने लगा है, अच्छा ठीक है 14 रुपया यूनिट है, 28 रुपया, लेकिन 40 का है लिए सर। इसमें हम लोग को भी देना पड़ता है कहीं कहीं। अच्छा कहाँ, वही हम पूछना चाहते हैं, कहाँ देना पड़ता है? आपके सपोर्ट में हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे, आपका डिलीवरी नहीं जाएगा, ठीक है, हम अगला अधिकारी को पकड़ेंगे, ठीक है, हम अगला अधिकारी को पकड़ेंगे, लेकिन आप बताइए, आपको नाम बताएंगे तो हमको क्रश नहीं करेगा पता? बिल्कुल नहीं करेगा, हमारे चैनल के साथ हम आपके साथ खड़ा है, आप बताइए पैसा कौन लेता है? ऑफिस में लेता है। ऑफिस में कौन लेता है? अच्छा किसके पास पैसा जाता है? एजेंट के माध्यम से जाता है। किसके पास जाता है एजेंट के माध्यम से? किसके पास बताइए ना, एमओ के पास? एमओ के पास जाता है, एमओ साहब भी बोलते हैं कि ऊपर तक जाता है। अच्छा ऊपर कहाँ, एमओ इसमें एजीएम भी मिला हुआ है, तब ना बिना नापे देता है पूरा, फटा चिटा सब दे देता है। लेकिन बात ये है ना सर, हम लोग का लाइसेंसी दुकान है और प्राइवेट है, अगर पदाधिकारी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम लोग को, पदाधिकारी के खिलाफ आप बोल रहे हैं ना, आपके साथ हम खड़ा है, ठीक है, पदाधिकारी अगर आपका डिलीवरी निरस्त करने का चक्कर में रहेगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्या उसको भी हम पकड़ के आए। अभी मैडम को भी हम कॉल पर बात किए हैं, अब मैडम जो है ना फोन काट दी, ठीक है जी एम। हाँ देखिए यहाँ लिखे हैं मैडम को। हाँ एक बार देखिए, हाँ जो मेरा बोरा निकला है, देखिए लाइए एक बार, हम कैमरा आप दिखाएंगे इसको, देखिए एजिया, देखिए ये बहुत ही ईमानदार है, क्या करें ये जो है ना, मतलब कि लाचारिया की सब करते हैं। देखिए 49 किलो कितना कितना, देखिए एजिया मैडम को लिखे 49 किलो, 50 किलो, 41 किलो, देखिए 40 किलो भी है। एक बार क्लियर कर लो कैमरा पर, देख लो क्लियर कर लो एक बार, ठीक है।
देखिए इतना बोरा में इस तरह अगर निकलेगा 46 किलो, सबसे कम कितना निकला है? सबसे कम 41 किलो है। सबसे कम 41 किलो, 51 किलो का बोरा कह के अगर 41 किलो अनाज निकलेगा तो बेचारा कहाँ से देंगे, कहाँ से पूर्ति करेंगे? देखिए इसमें आपका गलती नहीं है, आपको इसलिए आए हम, जब तक आपके पास आएंगे नहीं तब तक फॉल्ट पता चलेगा कैसे? हम देखिए अपने गाँव के आदमी को हमेशा बोलते हैं कि हम 14% में ही अनाज देंगे, लेकिन हम लोग से भी कोई 1 रुपया नहीं ले, ठीक है, लेकिन वो जब बोरा उतारने के वक्त में पैसा चाहिए। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? जनार्दन कुमार। जनार्दन कुमार मतलब आप ही के ये यहाँ आप ही का यहाँ डेली चलता है ना? अच्छा ये बताइए आपका ये सरकारी है? हाँ सरकारी है। सरकारी, अच्छा ये बताइए कि कितना पैसा एमओ के पास एजेंट के थ्रू जाता है, कितना पैसा क्विंटल पे कितना? और लोग से पूछ लीजिएगा ना। सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ खड़ा है, आप बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम अधिकारी से ही बात किए हैं। अगर सुधरेगा, सुनिए, अगर सुधरेगा तो सबके लिए सुधरेगा, सब 50 रुपया लगता है। 50 रुपया क्विंटल पे ले जाता है। कई क्विंटल आपको यहाँ आना जाता है? मेरे यहाँ आ जाता है 140-142 क्विंटल। 140-142 क्विंटल, तो 50 रुपये के हिसाब से तो वहाँ लेके चला गया जी। उस हिसाब से आपको उतना पैसा भरना पड़ता है, इसीलिए आप ज़्यादा पैसा लेते हैं लोगों से जी। अनाज कम देते हैं? कम देता है। अच्छा इसमें जो किरासन तेल आता है उसमें क्या धांधली है, वो भी बताइए हमको। किरासन तेल अगर आपके साथ हम खड़े हैं तो पूरा चिट्ठा बताइए। किरासन तेल अभी 81 रुपया 64 पैसा लीटर आता है हम लोग को वहाँ से, सरकारी रेट। 1 रुपया टंकी पर लगता है। 1 रुपया टंकी पर लगता है? किस बात का टंकी पर लगता है? 1 रुपया अपना कमीशन बताता है। अच्छा कमीशन बताता है, और एक फिर 1 रुपया हम लोग को लीटर भाड़ा पड़ जाता है। 1 रुपया भाड़ा, भाड़ा वो लोग नहीं देता, अपना लेना पड़ता है। अपना लगता है कि अपना लगता है। उसके बाद तौलते तौलते 100 लीटर में 2 लीटर घट जाता है, नापते खुदरा नापते। अच्छा नापते घट जाता है। आप लोग कितना में देते हैं, सच्चाई बताइएगा? हम 85-90 में बेचते हैं। 85-90 में बेचते हैं, तब जाके आपका पेट पूर्ति हो पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अच्छा इसमें किस अधिकारी के पास पैसा जाता है और कहाँ कहाँ जाता है? अब वो लोग किसको देता है, बोलता है ऊपर तक जाता है। अच्छा वही 2 रुपया कमीशन ले लेता है लीटर पे ना? 1.50। हाँ वो 1 रुपया लेता है। अच्छा मतलब कि यही सब तेरी मेरी होने के कारण आपको इतना ज्यादा दाम में देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए लीटर आपका माप सही है कि कम है? माप मेरा बिल्कुल सही है, नाप के देख देख। अच्छा ठीक है, हम आपके देखिए आप पे भरोसा करते हैं, जहाँ दिक्कत था वहाँ नपवा लिए। बाट भी मेरा सही है, हम जहाँ दिक्कत था वहाँ नपवा लिए। अच्छा ये बताइए होना चाहिए गलत चीज? होना नहीं चाहिए, लेकिन अब देखिए सब कोई लेता है तो क्या करेंगे, तंत्र भी वैसा, तंत्र ही वैसा है, सिस्टम में फंसे हुए हैं। सिस्टम में फंसे हुए हैं, बात है खाली पीडीएस विभाग में भी ऐसा नहीं है, मूल पर कोई चीज नहीं मिलता है, न खाद मिलता है। देख लीजिए ये, देख लीजिए इनके साथ भी प्रॉब्लम है, सिस्टम ये फंसे हुए हैं तभी इनको इतना ज्यादा रेट लेना पड़ता है और अनाज कम देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए आम पब्लिक आपसे लड़ाई करता है ज्यादा लेने के लिए? लड़ाई करता है आपसे आम पब्लिक? हमारा तो नया है, 2019 में हुआ है, लेकिन जब से डिलीवरी चल रहा है इसी तरह से चलिए रहा है। गोराडी में पूरा यही हाल है? गोराडी प्रखंड में क्या, पूरा बिहार में सिर्फ गोराडी का ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी गोराडी में, गोराडी में इसी तरह का है, पूरा गोराडी में यही हाल है। AGM और MO सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। AGM MO पर भी प्रेशर होगा तब ना इस तरह का करते हैं। प्रेशर होगा तो उसको सुधारेंगे ना, वो भी अपना बात को ऊपर ले जाएंगे कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है फील्ड में। और भी बहुत सारा विभाग है जो सही तरीके से चलता है, ये है ना। देखिए क्या है, देखिए इसमें आवाज हम लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ से गरीब लोगों को जाता है अनाज, जाता है ना, गरीब लोग को अनाज जाएगा, अगर ज़्यादा पैसा लगेगा और कम अनाज उसको मिलेगा तो वो भी तो कमाता है ना, दे तोड़ के कमाता है दिन भर, तब जाके पैसा हम लोग को कोई 14 रुपया भी देता है, 15 रुपया भी दे देता है, जो देता है जितना रख लेते हैं, ऐसे हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। तो वही ना बोले, प्रेशर जो लगाता होगा आपके पास कि नहीं हम इतने देंगे तो आपको लेना पड़ता होगा, जो जिसको इच्छा होता है देता है 2 रुपया, जिसको नहीं होता है नहीं देता। उतने बाकी ये डीलर साहब जितना ये बात बताए बिल्कुल सच बताएं, बाकी आप जो ये कितना देते हैं? हाँ सही है। कितना देते हैं पैसा यहाँ? 14 रुपया। 14 रुपया देते हैं, लेकिन कुछ लोग देते हैं, बाकी इनको मजबूरन लेना पड़ता है, मजबूरन लेना पड़ता है, और मजबूरी है तभी नहीं ले रहे हैं ये। सुनिए बाकी आपको सरकारी पैसा कुछ मिलता है बांटने के लिए? कुछ नहीं, 3 साल से नहीं मिला है, एक बार मिला था। ऐसे कितना है बांटने का महीना? 70 रुपया क्विंटल है। अच्छा मतलब 70 रुपया क्विंटल के हिसाब से अगर आप डिलीवरी करिएगा तो मिलेगा मार्जिन मनी, वो PMGY में, और इसमें भी है। हाँ। ये तो इसमें तो तुरते मतलब पर महीना पैसा नहीं मिलता है? नहीं, 3 साल से नहीं मिला है तो उसी तरह काम चल रहा है, एक बार मिला देख लीजिए। बहुत ही बड़ा बात ये भी है कि 3 साल से पैसा नहीं मिला है तो ये कहाँ से अपना पेट पूर्ति करेंगे, इसको इनके पास ऑप्शन क्या है? भ्रष्टाचारी ऑप्शन बच जाता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी एक बार बीच में मिला था 29,000 रुपया 3 साल में, उसके बाद 1 टका नहीं मिला है। बाकी आप देखते रहिए सिल्क टीवी, हम जितना भी अनाज वितरण का केंद्र है चाहे कोई भी प्रखंड हो आवाज़ को उठाते रहेंगे। बाकी देखते रहिए सिल्क टीवी, कैसा लगा हम प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।